हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय रावत और आप सबका स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया अपने प्यारे से गाँव अनपुर से। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर रहा हूँ मैं। सुबह के कितने बज रहे हैं? 10 बजने वाले हैं दोस्तों। और मैं जा रहा हूँ आज कदोला में। तो कदोला गाँव में हो रही है हमारी दोस्त की शादी, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं कदोला गाँव में। और वहाँ है हल्दी, तो हल्दी में मिलेंगे। और आज का लुक भी मेरा ये रहा कुछ हल्दी वाला, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये रहा भाई। तो चलिए, अब आपको सीधा मिलते हैं कदोला गांव में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो ब्लॉग की और दोस्तों शूटिंग भी कौन करा है? हमारे अनु भैया। तो अनु भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि ऐसा मुझे मिलता नहीं है कि मुझे भी कोई शूट कर पाए। तो मुझे ऐसे अब नहीं हाथ के फ़ोन ऐसे हाथ पे लेना पड़ता है फ़ोन, और तभी करता हूँ मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अनु भैया भी मेरी शूटिंग कर रहे हैं। तो अनु भैया का भी तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए भाई दोस्तों, चलते हैं कदोला गांव में। ब्लॉगर साहब पहुंच चुके हैं भाई। राहुल बेटा, ये जो राहुल है ना, मैं तो समझ भी दिखा बड़े मिठाई ले आना जो दिखा गो सीधा वापिस हो। ऐसे बंदे आगे वो करते हैं भाई तरक्की, हम जैसे थोड़ी ना। तो दोस्तों चलिए भाई, अब चलते हैं कदोला गांव में हमारे राहुल भाई के साथ। बिल्कुल। और भाई जी कैसे हो? बिल्कुल एकदम झक्कास। आप बताओ। आपको पूछना मैं भूल गया दुकान के सामने। अरे कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, पर मैं कैसे लगा हूं? कैसा लगा? अरे आप तो एकदम ऑसम भाई। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों, कैसे लग रहा हूं मैं। हाँ भाई, हाथ गंदे हो गए बाइक चला के। कोई कन्या भी होंगी तो जरा अप्लाई भी कर सकती है। अप्लाई फॉर्म खुले हुए हैं, फॉर्म खुले हुए हैं भाई। तो चलिए भाई दोस्तों, चलते हैं राहुल भाई के साथ स्मॉल ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव तो नहीं बोल सकते हैं, स्मॉल ड्राइव पे। तो चलिए तो दोस्तों हम भी पहुंच चुके हैं ठीक कदोला गांव की सड़क पे। ये रही भाई कदोला गांव की सड़क, और यहां पर से गांव भी दिखना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपने पहले ब्लॉगों में भी देख ही लिया है। नमस्ते। भुरियल पानी। नमस्कार जी। बस धन्यवाद। इतना घाम चिया का ठंडा पिलावा दी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते चाची, और ठीक ठाक? गारम सब कुशल मंगल। तो दोस्तों और दिन आता हूँ जब तो यहाँ पर नल का पानी बंद ही रहता है, और आज पानी आ रहा है। पानी भी कितना बारीक सा आ रहा है, और बर्तनों की भीड़ भी देखिए। और मेरे साथ राहुल भाई भी हैं ही भाई, तो उन्हें भी आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग में। हैं? हाँ हुई तो वो नहीं आओ। हाँ नमस्कार। हाँ तुम ठीक जाओ। नमस्ते। हेलो मनसा, कैसे पहुंचे? नमस्कार जी। तो दोस्तों यहाँ पर भी कन्याओं द्वारा हल्दी कूटी जा रही है। देना हो या
देना हो ये जड़ियों के पारा ते। दीदी की मिलियो क्या थियो चुटकी मुझे दे दे यारे पैसे चिज्जी खाओ मैं। ओ कितनी प्यारी है। लो भाई ये तुम्हें ही मिले हैं ठीक है, बाद में लेंगी चिज्जी तब हम दोनों खाएंगे ठीक है। क्या नाम है आपका? आ? सिखा। अरे वाह है? किसका नाम है? खुतू नहीं सिखा है उसका नाम। आपका नाम क्या है? आर्यन। अच्छा तो भाई दोस्तों मिलिए यहाँ पर दुल्हन की भाभी जी से, बड़ी वाली भाभी जी। भाभी जी सबसे पहले आपको नमस्ते, और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों आज को दुल्हन गांव में शादी है तो खूब ही रौनक हो रखी है भाई। सारे मेहमान लोग आ रखे हैं दिल्ली से, और यहाँ पर तो सब अब तैयारी भी करने लग गए हैं, हाथ मुँह धुलाए एकदम बढ़िया से सब लोग तैयार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कूटी जा रही है हल्दी, तो हल्दी में 5 जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती है, उनका नाम मुझे अब ज़्यादा भी पता नहीं है क्या क्या है, तो वही हल्दी कूटी जा रही है अभी। और वो कूटती है सुहागिन भाई, तो जिसकी शादी हुई रहती है, बाल बच्चे रहते हैं, तो वही कूटते हैं, और कूट रही है उसकी भाभी जी दुल्हन की। तो चलिए अब आगे भी बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ये रहा भाई दुल्हन का घर, और बाजे बजने भी स्टार्ट हो चुके हैं। दुल्हन की मम्मी जी से बहुत बहुत बधाई हो दीदी जी। धन्यवाद। तो चलिए भी दोस्तों आपको मिलाते हैं अब अपनी दुल्हनिया से। अरे वाह। और यहाँ पर कौन आ रखा है भाई? शीतल जी पहुंच गए। तुम बुलाया था हम दाणी चढ़ो जाके। चलिए भाई अब दुल्हन को ले चल रहे हैं हल्दी के लिए। यहाँ देखो भाई थपड़ा थपड़ हो रहा है शीतल का, तो लगा लगा लपड़ लपड़ पहली दे स्मार्ट से शीतल, पहली दे स्मार्ट से कद लगाने तेल भाई कद स्मार्ट होने छाने से मतलब ना। हाँ वो तो हम देवे पता चल। क्या हाल है आपके? देखो ये अभी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला मेरे को। तो कब तक मिल जाएगा फिर? पता नहीं। चलो वन साइडेड। हाँ हाँ चलिए फिर। वन साइड किसके तरफ से था? ये लड़के की तरफ। अच्छा लड़के की तरफ से था। चलो ये भी बढ़िया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। चलो Oh,
धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संजय भाई प्रीति दी के घनिष्ठ मित्र संजय भाई ए संजय दगड़ियों लगता है संजय भाई ने बहुत फांदे दी है, बहुत फास्ट स्पीड है। भाभी अब तो ऐसे हाल हो गए, देखो भाई तो दुल्हन की भाभी देखो भी बैंड को पकड़ना पड़ रहा है, यानी तालीम को पकड़ना पड़ रहा है। चलो ये हाल होते कभी कभी अभी ले रब दी मैं हाय सजया है वे
सारा शहर आज हो गया वे रब दे तो दोस्तों चलिए भी चलते हैं अब भोजन करने के लिए, दिन का भोजन। और यहाँ भोजन होता है पंचायती घर पे, घर घर में नहीं बनता है यहाँ, सीधा जब भी शादी होगी सीधा पंचायती घर में बनता है। और यहाँ पर मनीषा भी आ चुकी है भोजन ग्रहण करके, ख्याल है मनीषा? अच्छा चलो मैं भी खाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा भाई कदोला गांव का पंचायत भवन, और यहीं हो रहा है भोजन। तो तकरीबन सब लोगों ने खा ही लिया है, तुम्हें ख्याल है? दोस्तों यहाँ हो रहा है हल्ला गुल्ला, और यहाँ देखिए पंखे भी लगे हैं भाई मस्त तरीके से, और हर किसी के घर के बड़े बुजुर्गों की एक एक फोटो भी लगी है चारों तरफ। ही देखो भाई पंखे में खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दुल्हन जा रही है बेदी में, ये देखिए भाई। और आप लोगों को तो मैंने मिला ही दिया था दुल्हन की मम्मी जी से, ये रही भाई दुल्हन की मम्मी जी, दुल्हन की चाची जी, सब आ रखे। हाँ मुन्नी दीदी लोग, अरे वाह मेहंदी भी बहुत ही अच्छी लगी है दुल्हन की मम्मी की। हमारे भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे को तो बोलने भी नहीं आते हैं, क्या करे ऐसे ही कटवाली है। कोई बात नहीं, कटवाली में बोल दिया तो मैं गड़वाली छावा क्या बोलो ना, हम तो बोलने नहीं आते। आप बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग बुलाई तभी हम आए भी छावा। हम बुलाना ना था मुलाड़ ब्लॉग बने दियाला, एल्बम कैसे जा बैलता बैल है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। तो चलिए भाई दोस्तों अब आपको ले चलते हैं बेदी में। बेदी हमारे यहाँ पहाड़ों में बोला जाता है मंडप को, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, सात जन्मों के बंधन में बंधते हैं। तो वहीं ले चलते हैं आपको भी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पर हमारी चाची जी भी आ गई हैं। चलो भाई रोटी बनाने आ रही हूँ अभी, ठीक है आओ हैं। यहाँ पे तो जल चुकी है फर्स्ट क्लास आग, ये देखिए भाई। तो दोस्तों मिली यहाँ पर हमारी सीमा दीदी से, कैसे हो दीदी? बढ़िया। और आज सीमा दीदी बना रही है चूल्हे पे रोटियाँ।
हमारी बेटी की शादी में हम रोटी बना रहे हैं, कल बारात आएगी फिर हम नाचेंगे, गाएंगे। हाँ जी कल भी आओगे? हाँ जी जरूर, कल भी आएंगे भी। हाँ जरूर जरूर। वाह ये तो बैल भुगानी ची बनाती है। खाओगे तो एक बार खाओगे बार बार खाते जाओगे हैं? एक बार खाओगे तो बार बार पछताओगे। हाँ पछताओगे कि खाओगे? पछताओगे। हाँ ये तो खतरनाक बन रहा कि तुम ये तो जेल गया बे। एक न्यू जनरेशन वाला चीज है, बहुत बढ़िया। अपन बना रहे बोले हमने तो कभी बनाई नहीं हो। अरे रोटा गोल गोल कारा ना रोटा गोल गोल We'll be right back.